तो अभी एक कथा मेरे चित्त में आ रही है, इसमें अनमितता भक्ति ही है, पर उसमें एक कामना प्रकट हो गई है, पर वो कामना भी इतनी प्रिय लगी ठाकुर जी को, इसीलिए वो अनमितता भक्ति है। पुंडलिक की भक्ति भी अनमितता भक्ति है। भगवान पंडरीनाथ पुंडलिक के यहां गए, अपनी माता पिता की सेवा कर रहे पुंडलिक, जैसे ही भगवान द्वार पर जाकर के खड़े हो गए, पुंडलिक कहने लगे, कौन है भैया द्वार पर? भगवान कहने लगे, हम आए हैं द्वारिकाधीश, हम आए हैं जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, तुमको दर्शन देने आए हैं। बोले, अभी मैं व्यस्त हूं, माता पिता की सेवा कर रहा हूं, बाद में आइएगा, अभी बहुत व्यस्तता है मुझे। साथ में रुक्मणी जी भी गई थी। रुक्मणी बोली कि कैसे भक्त के यहां आ गए हो, ये तो आपको निमंत्रण भी नहीं दिया इसने, इसे बुलाया भी नहीं तब भी चले आए। भगवान बोले, बस ऐसे ही भक्त तो मुझे प्रिय हैं। अब देखो, यहां पर पुंडलिक कोई साधना जप नियम तब कुछ नहीं कर रहा है, उसकी अनमितता भक्ति है, वो केवल अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त है, अपने माता पिता को सर्वस्व मान के सेवा कर रहे हैं। उसी से रीझ गए ठाकुर जी, क्योंकि यहां पर कोई कारण नहीं है ना सेवा का, बस सेवा है, हमारे प्रियजन रीझ हैं, वो सेवा के भाव से पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में, ठाकुर जी द्वारिका से दौड़ के आए उसको दर्शन देने। रुक्मणी जी कहने लगी, आप भी कहीं भी चले आते हो, कोई बुलाता नहीं है तब भी चले आते हो? भगवान बोले, ऐसे होंगे यहां तो मैं जरूर आता हूं जो नहीं बुलाते हैं, लेकिन बस उनके चित्त में निष्काम प्रेम होना चाहिए। प्रेम भले ही ठाकुर जी के प्रति हो, यह भी बंधुओं आवश्यक नहीं, पुंडलिक जी से सीखो, वो तो माता पिता से प्रेम करते थे तो पंडरपुर में पंडरीनाथ प्रकट हो गए। प्रेम होना चाहिए स्वच्छंद, चाहे जिससे भी हो, काम रहित, अनमित्त, किसी कारण से नहीं, अकारण। रुक्मणी मैया बोली, पुंडलिक त्रिलोकी नाथ आए हैं तुम्हारे द्वार पर। अरे, द्वार पर कोई सामान्य व्यक्ति आता है, आसन दिया जाता है, उसको बैठने के लिए पूछा जाता है, त्रिलोकी नाथ तुम्हारे द्वार पर खड़े हो, तुम उनसे पूछ तक नहीं रहे हो? पुंडलिक कहते हैं, मैंने बुलाया हो तो मैं पूछूं ना, मैंने तो बुलाया नहीं इनको, क्यों आ गए यहाँ पे? रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ी, बोले चलो अभी यहां से बाबू। बोले नहीं, जाना नहीं है, इससे तो मिलके ही जाऊंगा, अब तो मेरा और मन कर रहा है, मैं तो ऐसा प्रेमी माता पिता के चरण कमलों का, अब तो इससे निश्चित मिलूंगा। रुक्मणी मैया बोली, बोले पुंडलिक कोई आसन तो दे दो ठाकुर जी को। पुंडलिक ने माता पिता की सेवा में व्यस्त विचार करने लगा, जब से आए हैं परेशान कर रहे हैं, सेवा नहीं करने दे रहे मुझे, अब आसन और दो। तुरंत एक ईंट खिसका दी ठाकुर जी की ओर, बोल लीजिए, प्रतीक्षा करिए जब तक मैं सेवा निवृत्त ना हो जाऊं, और अपने कमर पर हाथ रखे, श्री पुंडलिक वरदा श्री हरि विठल, ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। चंद्रभागा नदी के तट पर, भीमा नदी के तट पर सुंदर एक वीट के ऊपर भगवान प्रतीक्षात्मक मुद्रा में खड़े हो गए पुंडलिक को दर्शन देने के लिए। क्यों? अनमितता भक्ति, कारण रहित भक्ति, अकारण भक्ति। और मैं अनमितता अनमितता बार बार नहीं कहूं, कंफ्यूज नहीं हो जाओ कहीं, लेकिन याद हो जाए आपको, इसलिए अनमितता कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर शब्द प्रयोग किया है, कोई निमित्त नहीं है उसमें, बस प्रेम है। उसके लिए ठाकुर जी पंडरपुर में आकर के खड़े हो गए और आज तक खड़े, आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार मैंने वहां दर्शन कर रहा था तो वहां पुजारी जी से पूछा, मैंने कि देखो, मेरे मन में एक भाव आ जाता है, मैंने कि हमारे ब्रज को लाला ये बेचारो खड़ो यहाँ पे हाथ ऐसे कमर पे धर के, मैंने हमारे मन में तो ऐसा भाव आ जाए, मैंने कि ठीक है, पुंडलिक से मिल मिला लिए, सब है क्यों, अब तो हाथ नीचे कर लियो, अब क्यों खड़े हैं ऐसे, पुंडलिक से मिल लिए ठाकुर जी, अब क्यों खड़े हैं? तो उनका इतना सुंदर भाव, बोले कि यहाँ ठाकुर जी दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए आए थे भक्त का, लेकिन अब मंदिर निर्माण हो गया, ठाकुर जी यहां पर व्यवस्थित हो गए, अब दर्शनार्थी जब यहां लाइन में लगा करके आते हैं तो ठाकुर जी को कहीं ना कहीं श्रम होता है चित्त में, कि मैं तो दर्शन देने के लिए खड़ा हुआ था पर उल्टा हो गया, सब दर्शन कर रहे हैं,
इसलिए ठाकुर जी ऐसी मुद्रा अभी तक बना के खड़े हैं कि मानो दर्शनार्थी को ये लगे वो नहीं मैं ही उसके लिए खड़ा हूं यहाँ पे उसको दर्शन करने के लिए। और दूसरा भाव उन्होंने कहा कि इतने श्रमित हो जाते हैं सब लोग, लाइन लगती है लंबी, तो ठाकुर जी का ऐसी मुद्रा देख करके सबका श्रम दूर हो जाता है। ठाकुर जी सबसे कहते हैं तुम भी ऐसे खड़े हो जाओ थोड़ा श्रम दूर होगा, श्रम रहित करने के लिए व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है। तीसरा भाव उन्होंने बहुत सुंदर बताया, बोले क्या, बोले भैया लाखों लोग दर्शन करते हैं सुबह से शाम तक, निश्चित ही लाखों में एक कोई माता पिता मातृ पितृ चरण कमल का भक्त आता तो होगा पुंडलीक भगवान के यहाँ पर श्री दत्त अपने विठल भगवान का दर्शन करने, तो उन लाखों लोगों में एक पुंडलीक के भांति भाव वाला आता होगा उसके लिए ठाकुर जी खड़े, उसके लिए ठाकुर जी खड़े। भगवान कहते हैं पश्यन्ति ते में रुचिरान रुचिरान्यनम संत प्रसन्न वक्त रुडलोचनानी, और उसको मेरा दर्शन कैसा होगा, ऐसा नहीं कि मैं उसको स्वप्न में, देखो तीन प्रकार की विधा है दर्शन की, स्वप्न दर्शन, अनुभव दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी जब दर्शन देने का मन बनाएंगे सबसे पहले स्वप्न में आएंगे, फिर अनुभूति कराएंगे, अनुभव कराने लग जाएंगे, धीरे धीरे आपको आभास होगा कि ये तो ठाकुर जी ने किया। और तीसरा होगा प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष भी ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी आपको दिख गए या छग्म भेष में आए और आकर के चले गए। यहां पर भगवान कपिल कह रहे हैं मेरा स्वरूप कैसा होगा उसके अनमित्त भक्त के सामने, बोले प्रसन्न वक्त्र रुडलोच लोचनानी, मैं प्रसन्न मुद्रा में आऊंगा और मेरे सुंदर कटाक्ष नेत्र होंगे मैया, मेरे सुंदर मधुर मुस्कान को देख करके उस भक्त का जितनी पीड़ा है वो सब निवृत्त हो जाएगी। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानी, इतना सुंदर रूप धारण करके आता हूं मैं अनमित भक्त से मिलने के लिए, और फिर मैं उसको वरदान भी प्रदान करता हूं, जो वो मांगता है मैं उसको निश्चित दे करके जाता हूं। साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति, भगवान वर्णन करते हुए विभूति माता को कह रहे हैं। और अनमित भक्त का एक लक्षण बताते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि न करहिचिन मत परा संत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेदिहिति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदेवमिष्टम्। भगवान कहते हैं मैया अनमित भक्त जो होता है वो मेरे ही रूप में सबको देख लेता है, वो मुझमें ही मित्र का दर्शन करता है, वो मुझमें ही प्रियतम का दर्शन करता है, वो मुझमें ही गुरु का दर्शन करता है, वो मुझमें ही सर्वरूप व्याप्त जो भी उसका संबंध उसके चित्त में प्रकट हो रहा हो वो सारे संबंध मुझसे देख करके वो मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं है, बस मुझे पहचानता है, मेरी ही उसकी पहचान है बस। अगर मैं अन्यत्र किसी के प्रति कोई और बात बताए कि वो देव है वो देव है तो कहेगा तो हम जानते नहीं। हमारे वृंदावन की एक बड़ी सुंदर घटना है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे, वल्लभाचार्य जी चलते थे तो उनके आगे बड़े शिष्य चलते थे मार्ग साफ करवाते हुए, जैसे अब हमारा भी अपरस का भाव है कोई छुए ना, तो एक आध लोग ऐसे रखते हैं साथ में वो आगे से, भैया छूना नहीं महाराज जी को छूना नहीं, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है लेकिन कभी कभी मन में आता। अच्छा एक बात और बताएं महाराज जी, स्पर्श का एक अनुभव और किया कथाओं में भी, एक घंटे बाद आंख खुली है मेरी, क्या हो गया पता नहीं, और फिर बंद हो जाएगी। कथाओं में भी ऐसा नियम महाराज जी कि जब मैंने अनुभव किया कि अगर कोई स्पर्श कर दे, कक्ष से जब निकला था तब बड़े भाव आ रहे थे मन में, पर किसी व्यक्ति के स्पर्श से सारे भाव नष्ट हो गए, मंच पे आते ही शून्य हो गया, कुछ बोल आ ही नहीं रहे, वो भाव ही नहीं निकल पा रहे। स्पर्श का ये दोष भी देखा,
कि कथा में भाव तो चाहिए, तो कई बार अब सबको ऐसा नहीं कोई दोष है, अब आप कहाँ से आए, किस भाव से आए, क्या खा के आए, क्या करके आए, उसका स्पर्श पर प्रभाव तो पड़ता है। इसीलिए देखो गायत्री जप के लिए लोग बाग ऐसे ही बोल देते हैं गायत्री मंत्र, कई लोग घर में जाओ तो वो बच्चों को बोलेंगे महाराज जी को श्लोक याद करके सुनाओ, कौन सा श्लोक, सबसे पहला बच्चा श्लोक ही गायत्री मंत्र सुनाता है, सुनिए देखिए आके